IPCA बड़े पैमाने पर इन लोगों को पर्यावरण के प्रति उनकी जिम्मेदारियां बताने के लिए जागरूकता प्रोग्राम करती है, जहां पर लोगों से प्लास्टिक को अलग अलग इकट्ठा करने के साथ ही कूड़े को ना जलाने व इधर उधर ना फेंकने की अपील की जाती है। इसके साथ ही स्रोत पर ही कूड़े को अलग अलग करने के लिए भी कहा जाता है। ये कूड़े का पहाड़ किसने बना दिया? किसने बना दिया? भला ये मनुष्यों ने बनाया। कैसे? कैसे क्या? कूड़े को इधर तो फेंक के कूड़ा अपनी सही जगह नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से कूड़े का भंडार हो रहा है, कूड़े के पहाड़ बन रहे हैं। इस कूड़े की वजह से लोगों को फेफड़ों का कैंसर हो रहा है, लोगों को बीमारियां हो रही है, जमीन पानी सब प्रदूषित हो रहा है। महाराज पृथ्वी लोक में एक IPCA यानी कि इंडियन पॉल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन है, जो लोगों के घरों में घुस घुस के उन्हें बता रहा है कूड़ा कूड़ेदान में न सड़क पे मैदान में। IPCA जागरूकता कार्यक्रमों के साथ साथ लोगों को इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जैसे कि कपड़े के थैले प्रयोग करने के लिए प्रेरित करती है और कूड़े के व्यवसाय में जुड़े लोगों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स और उनकी आय बढ़ाने संबंधित कार्य भी करती है, ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार आ सके। काफी फायदा हुआ है, खासतौर से महिलाओं को ज्यादा फायदा हुआ इससे। पहले जो जब वो काम करते थे तो उनको एक अमाउंट तो था उनका, वो बहुत लो प्राइस था। अब जब अवेयरनेस हुआ है उनको, तो अब वो अपना जो जो भी सेग्रीगेट करके माल बेचते हैं, अब उनको अच्छे पैसे मिलते हैं।